बड़ी खबर दिल्ली से, कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हुई है। एमपी चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही थी। सीईसी की बैठक में एमपी पर मंथन हुआ है। करीब ढाई घंटे तक ये बैठक चलती रही। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, सीईसी की बैठक खत्म हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही थी। सोनिया गांधी, कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे, तो तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद थे। करीब ढाई घंटे तक ये बैठक चली है और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हुआ है इस बैठक में। तो एमपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की बेहद अहम और बड़ी बैठक थी जो अभी खत्म हुई है। करीब ढाई घंटे तक बैठक चलती रही। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, रणनीति बनी है, खास तौर से किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, वो कौन सा प्रत्याशी होगा जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, किस सीट से किसको टिकट देना चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार कौन है जो बीजेपी को मात दे सके, बीजेपी के प्रत्याशी को मात दे सके, इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से चर्चा हुई इस बैठक में। कमलनाथ थे, रणदीप सुरजेवाला थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद थे। करीब ढाई घंटे तक यह बैठक चली, बेहद महत्वपूर्ण बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से। राजनीतिक दलों में मंथनों का दौर लगातार जारी। बीजेपी अपनी दो सूची जारी कर चुकी है, कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार। कब जारी होगी देखने वाली बात हो। हालांकि कांग्रेस के नेता का कहना है कि आज रात को ही या शाम तक ही ये सूची जारी हो सकती है, लेकिन क्या सूची कांग्रेस जारी करेगी अभी ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर जारी करेगी भी तो कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, किस सीट से किसको चुनाव लड़ाएगी कांग्रेस, ये बेहद अहम हो जाता है देखना, क्योंकि बीजेपी ने दूसरी सूची में अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक चुनौती, एक चैलेंज बीजेपी ने कांग्रेस के सामने खड़ा कर दिया है। और तो इसलिए भी यह बैठक काफी अहम हो जाती है। बीजेपी ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिन सीटों पर दिग्गज नेता हैं उन सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारा जाए। आइए एक बार फिर से खबरें देखेंगे रफ्तार से। रायपुर में कार सवार दो युवतियों के बीच हुई जमकर मारपीट, सड़क पर चले लात घूंसे, नशे में तुल थी दोनों युवतियां। कोंडागांव में यात्री बस और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में कार चालक की मौत, नेशनल हाईवे के पास हुआ हादसा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ौदाबाजार के कोरदा ग्राम पंचायत में नहीं बन पाई सड़क, कीचड़ से भरे रास्तों पर चलने को ग्रामीण मजबूर, एम्बुलेंस वाहन को भी पहुंचने में होती है दिक्कत। दिल्ली के गांजा डीलर को रायपुर पुलिस ने धर दबोचा, रेलवे स्टेशन में गांजा डीलर ढूंढ रहा था ग्राहक, आरोपी के बैग से 14 किलो गांजा जब्त। बिलासपुर में मवेशियों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पंप हाउस में 15 मवेशियों को बंद कर बाहर से लगा दिया था दरवाजा। गरियाबंद के घटकर्रा के जंगल से मिला कंकाल, पुलिस को छात्रा का कंकाल होने का शक, हत्या कर शव को जंगल में ठिकाने लगाने का शक, जांच में जुटी पुलिस। कांकेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चांदी के गहने चुराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। भारत ने एशियाड में मेंस क्रिकेट का जीता गोल, टॉप रैंकिंग के चलते चैंपियन बना भारत, बारिश की वजह से फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया पूरा।
ऑस्ट्रेलिया से मैच के पहले टीम इंडिया को झटका, स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल को हुआ डेंगू, पहला मैच खेलने पर सस्पेंस, 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। रूस ने की परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग, पुतिन ने कहा ये हजारों मील दूर से हमला करने में सक्षम, आर्कटिक में बनाई गई है न्यूक्लियर फैसिलिटी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, कहा पश्चिमी देश भारत और रूस के बीच दरार डालने की ना करें कोशिश। सीरियाई मिलिट्री एकेडमी पर हुआ ड्रोन अटैक, हमले में 100 लोगों की गई जान, 240 से ज्यादा लोग हुए घायल, ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान हुई बमबारी। सलमान खान ने किया आमिर की बेटी आयरा का सपोर्ट, अगस्त्यू फाउंडेशन का प्रमोशन कर बोले बच्चे बड़े हो गए हैं और समझदार भी हैं। एक्टर गुरमीत चौधरी ने बचाई शख्स की जान, सड़क पर बेहोश आदमी को दिया सीपीआर, लोगों के साथ मिलकर पहुंचाया हॉस्पिटल। सीबीआई ने एक्टर विशाल के केस में दर्ज किया एफआईआर, सीबीएफसी के अधिकारी सहित 3 पर मामला किया दर्ज, एक्टर ने जिस महिला का किया जिक्र उसका भी नाम शामिल। जबलपुर से खबर है जहां मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े निर्माणाधीन फ्लाईओवर में हादसा हुआ, चैंबर निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से चपेट में आए थे 7 मजदूर, 1 मजदूर की मौत हो गई है जबकि 6 घायल। मदन महल थाना क्षेत्र के शिवाजी चौराहे पर यह हादसा हुआ। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार। Another day. Great, Sibhari.